हमको पता चला, हम अब भी बहुत खुश हैं। और वो उधर अस्पताल में भी मैं डांस किया। अच्छा, हॉस्पिटल में भी आपने डांस? हाँ, वो सभी खुश हो गए, परदादा जो सा वो डांस करता। अच्छा, वो डांस कर। हाँ जी, और झूमर खेल गए। अच्छा, पड़पोतों के आगे मैं डांस किया। अच्छा, अल्लाह ने बहुत खुश कर, राजी हुए। और जिस परदादे की इतनी फैमिली हुए तो वो खुश ना हुए, तो मैं नमाज पढ़ पढ़ के अल्लाह के आगे ये दुआएं करता। बहुत खुशी मना रहे हैं, अल्लाह ने एक बेटा और तीन बेटियां मेरे भतीजे के दिए हैं, तो हमने मिठाइयाँ बांटी हैं, अल्लाह के बहुत दुआएं की हैं और बहुत हम खुश हैं। अच्छा, बच्चे माशाल्लाह सारे जो हैं वो सेहतमंद हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मैं खानेवाल में मौजूद हूं और मेरे साथ खानेवाल का ये खुशकिस्मत वकास मौजूद है। वकास की पिछले साल शादी हुई और पहली ही औलाद अल्लाह ताला ने इसे चार बच्चों की शक्ल के अंदर दिया है। इनमें एक बेटा है, तीन बेटियाँ हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में, पूरे ज़िले के अंदर इस वक्त खुशियाँ फैल गई हैं। इसका सारा ख़ानदान इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ये इसके दादा साहब हैं, उन बच्चों के परदादा साहब हैं, ये उनके दादा साहब हैं, ये उन बच्चों के वालिद हैं। तीन बच्चियों और एक बच्चे के ये वालिद हैं और ये परदादा और ये दादा और उसके साथ ये भी इनके दादा हैं। ये सारी उनकी फैमिली है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश है। इन्हें किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके घर के अंदर इतनी बड़ी रहमत आएगी और चार बच्चे उनके अगले साल जो हैं उनके पास आने वाले हैं। इसके बाद इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, शादियां इस वक्त बजाए जा रहे हैं। बच्चों के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कितने खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद वकास है। अच्छा वकास, क्या करते हैं आप? जी सर, मैं दुबई में होता हूँ, मेरा अपना कारोबार है। अच्छा, दुबई के अंदर आप अपना बिजनेस करते हैं? जी। कब से दुबई के अंदर रह रहे हैं? तकरीबन 8 साल हो चुके। तो शादी आपकी कब हुई थी? 1 साल हो गया तकरीबन। 1 साल पहले शादी हुई थी। तो आपको उम्मीद थी कि अल्लाह आपको इतनी बड़ी रहमत देगा कि चार बच्चे अल्लाह ताला आपको दे देगा अगले साल? देखो जी, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह के निज़ाम है। हमें इस चीज़ का कोई खबर नहीं थी, कोई इलम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे रहमत से भी नवाजा और अपनी नेमत से भी नवाजा। अच्छा ये बताएं कि ये नेमत का और इस रहमत का अल्लाह ताला ने आपको बेटियाँ भी दे दी हैं, आपका बेटा भी दे दिया है, तो आपको ये अंदाज़ा कब हुआ था या आपको लग रहा था कि आप चार बच्चों के बाप बनने वाले एकदम से? बस ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4-5 महीने पहले भी डॉक्टर ने बता दिया था, तो उस टाइम भी बहुत खुशी थी, लेकिन अब अल्लाह ताला ने दिया है तो इससे ज़्यादा खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं लाइव देख के आया, मैं वहाँ पे था 10 दिन से हॉस्पिटल में, तो मैं अभी आया। अच्छा, बच्चे माशाल्लाह सारे जो हैं वो सेहतमंद हैं? बच्चियाँ, बच्चे सारे मतलब सेहतमंद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ठीक है, सारे सेहतमंद हैं। इनमें बेटे कितने हैं, बेटियाँ कितनी हैं? एक बेटा है और तीन बेटियाँ। बेटे का नाम आपने क्या रखा है? बेटे का नाम रखा है मोहम्मद उस्मान। बेटे का नाम इन्होंने हज़रत उस्मान ज़िंदौरेन के नाम पे उस्मान इन्होंने नाम रखा है। और बेटियों के नाम क्या रखे हैं आपने? बेटी का नाम रखा है, एक नाम रिका है जहरा बीबी, एक का नाम जैनब बीबी और एक का नाम नूर फातिमा। ये तीन बच्चियों के नाम हैं, जहरा बीबी, जैनब बीबी और नूर फातिमा, ये बच्चियों के नाम हैं। और बच्चे का नाम इन्होंने उस्मान रखा है, जिसकी पैदाइश पे, इन चारों बच्चों के पैदाइश पे उनके वालिद इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनके दादा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वालिद बहुत खुश हैं, पूरी फैमिली के अंदर इस वक्त खुशी हैं। आपको कितनी खुशी है? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, अल्लाह पर बहुत खुश हैं। अच्छा, किस वक्त आपको पता चला था कि आप चार बच्चों के दादा बन गए एकदम से? 4 महीने पहले पता चला। 4 महीने पहले आपको पता था कि चार बच्चे आपके हो रहे हैं? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत हुई, जब हमारे सामने आ गए तो। अच्छा, हमको पता चला, हम अब भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश। बच्चों के दादा जो हैं इस वक्त बहुत खुश हैं। अच्छा, जब चारों बच्चे मतलब इस दुनिया के अंदर आए तो सबसे पहला काम आपने क्या किया था? हम खुश हुए, हम अल्लाह के आगे दुआ की, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अल्लाह के घर में दुआ की, फिर मिठाई दी, फिर कम अस्पताल में चले गए, उनको राजी करके हम घर आए। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुश है, इंशाल्लाह अभी मतलब और ज़्यादा खुशी एक आ जा रहा है कि भाई इलाके के अंदर बड़ी बड़ी खुशियाँ फैली हुई हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
अल्लाह की रहमत हुई है तो अल्लाह से उम्मीद कोई भी नहीं होता, इंशाल्लाह अल्लाह की राह पे बहुत देंगे इंशाल्लाह। आपने कभी सोचा था दूर दूर तक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बेटे की आप शादी करेंगे और अगले साल अल्लाह आपको चार बच्चों का दादा बना देगा? नहीं, ये तो नहीं सोचा था, बाकी अल्लाह के आगे दुआ की थी भी अल्लाह मुझे पोता देना, अच्छा था, अच्छा नेक पोता देना। पोता भी दे दिया, पोतियां भी दे दी, पोतियां भी दे दी, चार बच्चे अल्लाह ने छप्पर पाड़ के दे, छप्पर पाड़ के दे दिए, फैमिली आपकी कम्प्लीट माशाल्लाह। बच्चों के परदादा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद बशीर। अच्छा, मोहम्मद बशीर साहब, आपका जो पोता है वो बड़ा खुश है, बेटा आपका बड़ा खुश है, आप कितने खुश हैं? मैं जी बहुत खुश हूँ, परदादा हूँ, और जिस परदादे की इतनी फैमिली होए तो वो खुश ना होए तो मैं नमाज पढ़ पढ़ के अल्लाह के आगे ये दुआएं करता, और अल्लाह ताला ने हमें बहुत खुशी दी है, खुशी दी है बहुत बड़ी, और खुशी बहुत बड़ी है जी, जिसकी इतनी जल्दी इतनी फैमिली अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह का बहुत करम है जनाब। हाँ। अच्छा, आपको कोई अंदाज़ा था, आपको कोई अंदाज़ा था कि अल्लाह आपको इतनी नेमत भी देगा, रहमत भी देगा, और एकदम से देगा, छप्पर पाड़ के देगा? अल्लाह बहुत बड़ा जी, अल्लाह को पता है, और आस उम्मीद तो होती है, चार पाँच महीने ये डॉक्टरों ने बताया तो हम तो उसी दिन के नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे दुआ करते थे कि अल्लाह तंदरुस्ती से हम पड़पोते हमारे को ये देगा और उनकी खुशियाँ करेंगे, और करते हैं और भी करेंगे खुशी, और अल्लाह बहुत बड़ा है जनाब। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो पोता है वकास, ये बड़ा खुश है, आपका बेटा बड़ा खुश है, आप कितने खुश थे, इनसे ज्यादा खुश थे या कुछ कम खुश थे? इनसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, परदादा हूँ जी। जिस जोन सा परदादा होता है वो बहुत ही खुश होता है, है? इससे ऊपर क्या मैं करना है, जिसके परदादा पोती पड़पोते हो जाए तो फिर खुश ना हो, बहुत खुश है जनाब। अच्छा, बच्चों के जो दादा हैं उन्होंने तो खुशी का एक अपना इजहार किया था, आपने कैसे इजहार किया था, इन्होंने करके दिखाया ना हमें, आपने कैसे इजहार किया था उस वक्त खुशी का? उस टाइम जी मैं बड़ा झूमर डाला, अल्लाह ताला के आगे ये आपने मुझे दिए झूमर डाला। हाँ, अच्छा, ये अल्लाह ने बड़ा एक नेमत भेजी, बहुत झूमर खेली थी, और झूमर खेल गए, अच्छा पड़पोतों के आगे मैं डांस किया, अल्लाह ने बहुत खुश कर राजी हुए, और वो उधर अस्पताल में भी मैं डांस किया, हॉस्पिटल में भी आपने डांस? हाँ, वो सभी खुश हो गए, परदादा जो सा वो डांस करता, अच्छा वो डांस कर, हाँ जी, सारे बड़े खुश थे, बहुत खुश थे, एक तरफ से दादा डांस कर रहा था। हाँ। आप भी काफी डांस कर रहे हैं? बहुत किया, बहुत किया। आपने किस अंदाज से किया था डांस? मैंने बहुत अच्छा डांसर हूँ, बहुत अच्छा डांसर हूँ। और अच्छा अच्छा, आपने इसी के से डांस किया था और आपने? हाँ जी, मैं जी बहुत डांस किया था, झूमर खेले थे, वो जो उनसे पीछे आप मुल्तानी झूमर खेलते हैं, अच्छा। तो मैं दादा परदादा था, मैं बहुत झूमर खेला, इस तरह झूमर खेल खेल के परदादा तो था ना, ये परदादे थे। अच्छा, ये बताएं कि परदादा बड़ा खुश, दादा बड़ा खुश, आपने भी कुछ झुमरी झुमरी डाली थी कि नहीं डाली? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला हर इंसान को ऐसे औलाद जैसी नेमत दे। अच्छा, हमारी तो अच्छा, अच्छा, बच्चों के जो नाना हैं उनका रिएक्शन क्या था, नाने का? वो भी सब खुश हैं। नाना अच्छा, बाबे की उम्र का है। अच्छा, हाँ, इस मेरे बालद की उम्र का नाना है, वो भी बहुत खुश है। नाना ने भी डांस किया था? नहीं, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है हम। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम बहुत खुश हैं, मेरे भतीजे वकास को अल्लाह ने चार बेटे दिए, तीन बेटी और एक बेटा, हम बहुत खुश हैं, चार बच्चे दिए हैं, फैमिली खुश है, पूरी फैमिली बहुत खुश हैं, चक नंबर 122 में हम, और तहसील हमारा जानिया है, ज़िला खानेवाल है, और हम इतना खुश हैं ना, पूरा परिवार बहुत खुशी मना रहे हैं, अल्लाह ने एक बेटा और तीन बेटियां मेरे भतीजे के दिए हैं, तो हमने मिठाइयाँ बाँटी हैं, अल्लाह के बहुत दुआएँ की हैं, और बहुत हम खुश हैं इस वक्त ये पूरी फैमिली जो है ये खुश है, उसका अंदाज़ आपने देख लिया होगा कि बच्चों के जो परदादा हैं वो इस वक्त भी खुशी से फूले नहीं समा रहे, इस वक्त भी उनका दिल चाह रहा है कि वो उठें और नाचना शुरू कर दें, इनके साथ उनके दादा जो हैं उन्होंने नाचना शुरू कर दिया है, और उसके बालक जो हैं उन्होंने नाचना शुरू कर दिया है, पूरे गाँव के अंदर, पूरे शहर के अंदर और पूरे खाने वाल के अंदर इस वक्त खुशियाँ मची हुई हैं कि चार बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह इस वक्त सही सलामत हैं। डिजिटल पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से हमारी दुआ है कि
कि अल्लाह ताला उन बच्चों को उम्र खिजर अता फरमाए और इनके दादा जो हैं इनको भी उम्र खिजर अता फरमाए, पर दादा को भी, उनके वालिद को भी, और इनके दादा और दादे ऐसे ही, पर दादे जो हैं ऐसे ही अपने बच्चों की खुशियों पर डांस करते रहें। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगबान।